हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि दो चार्जेस अगर हों तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन कितना होगा या रिपल्शन कितना होगा। देखिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी दो लाइक चार्जेस आ जाएं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव नेगेटिव हों, लाइक चार्जेस अगर आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अनलाइक चार्जेस आ जाएं, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव आ जाए, या ये वाला नेगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव आ जाए, अनलाइक चार्जेस अगर आ जाएं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास पास में आना चाहते हैं। अब यहाँ पे आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ होता क्या है। उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल पॉसिबल होगा तो उसको आज हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, कूलम्स लॉ होता क्या है इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो कूलम ने ये बताया था कि ये दो जो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। अगर फोर्स लग रहा है उसी की वजह से तो वो चार्जेस पास पास में आ रहे हैं या फिर दूर दूर जा रहे होंगे। तो जो इन चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये पास पास या दूर दूर आ रहे हैं, वो फोर्स कितना लगता है, इस चीज को बताया था कूलम ने। तो देखते हैं इन्होंने क्या बात बताई है। तो देखिएगा, करते हैं इस चीज को। देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये मैंने एक Q1 चार्ज मान लिया है, एक Q2 चार्ज मान लिया है, दो चार्जेस हैं। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। दोनों का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया, कितना सेपरेशन है, r सेपरेशन है। तो r डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। तो कूलम ने क्या बताया है वो देखो, इन्होंने बताया है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के। दोनों चार्जेस को मल्टीप्लीकेशन करो, उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच के जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके हो जाएगा। अब आप यहां पर यह देख सकते हो कि ये दोनों चीजें बोलना क्या चाह रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज रखा हुआ होगा, जितना ज्यादा इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, उन चार्जेस के बीच में उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम खुद सोच के भी बता सकते थे। दूसरी चीज में ये क्या बता रहे हैं कि R अगर ज्यादा होगा, R को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और R को अगर कम कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे जैसे हम चार्जेस को दूर लेते जाएंगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, तो डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाए, सेपरेशन अगर बढ़ा दिया जाए, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होता जाएगा। और अगर चार्जेस को पास पास में लेके आए, पास पास में ला रहे हैं, आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। और आर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये दो चीजें इन्होंने बताई हैं। आप इनका जो लॉ है, इनका जो स्टेटमेंट है, वो भी आप यहां पे देख सकते हो। तो देखो, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। और जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही
अलोंग लगेगा, यानी अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो ये वाला चार्ज इस पे अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा। लेकिन अगर इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होता तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा होता और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा होता। फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही होती है। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं। तो हमने बोला है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल को अगर हटाया जाए यहां से तो प्रोपोर्शनल को हटाने पे एक कांस्टेंट आता है और यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है के। क्या आता है? के। इस के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r². तो ये आता है फोर्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल पाएंगे कि दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहां पे जो K है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट क्या है, वो सारी चीजें अभी हम चेक करते हैं। देखो वन बाय वन। तो मैंने अभी फोर्स का फॉर्मूला निकाला, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इस फॉर्मूले से आप दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है। अब यहाँ पे जो के है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10^9। कितनी होती है? 9 × 10^9। और इसका अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ से आप इजीली यूनिट निकाल लोगे। यूनिट को बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप इजीली किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो। बस देखो इस फॉर्मूले से भी अगर देखोगे तो K को सेपरेट कर लो। अगर मैं K को सेपरेट कर लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F R square इधर चला जाएगा अपॉन Q1 × Q2। ये K को सेपरेट करके आपने निकाल लिया और यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालोगे तो फोर्स F क्या है, यहाँ फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। R डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस की क्या आ जाएगी भाई, m² अपॉन Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, तो कूलाम × कूलाम यानी कूलाम² तो जो K है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 9 × 10^9 Nm² अपॉन Coulomb². तो ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा ये जो K होता है ये देखो बराबर होता है 1/4πε0। किसके बराबर होता है? 1/4πε0। अब यहाँ पे ये 1/4πε0 है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी दोबारा लिख देता हूँ, 9 × 10^9 Nm² अपॉन Coulomb². तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फोर्स का फॉर्मूला में K आया है उसकी जगह पे आप और क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10^9 Nm² / Coulomb² होती है। तो इस फोर्स के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ पे इस K की जगह आप लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r². तो इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप हमेशा फॉर्मूलाओं को इसी फॉर्मेट में याद रखो। ठीक है, इजीली याद हो जाता है। K की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 होता है, जो वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जी ये ε0 क्या होता है, वट इज द ε0। तो ε0 जो होता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ε0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या और वैक्यूम। तो जो वैक्यूम है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोली जाती है। ε0 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। जो ε0 है या एप्सिल जो होता है वो बताता है कि जो मीडियम है जहां पर चार्जेस रखे हुए हैं, जो मीडियम है वहां का, उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है। तो मीडियम के बारे में बताता है, मीडियम के बारे में इन्फॉर्म करेगा हमें जो ε0 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप अलग से सेपरेट सॉल्व करके निकाल सकते हो। देखो के किसके बराबर है, 1/4πε0 जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 × 10^9। तो यहाँ से अगर आप ε0 की वैल्यू निकालना चाहो तो देखो 4π कांस्टेंट है, ε0 को इधर ले जाओ, इस पूरी टर्म को इधर उठा के ले आओ,
तो एप्सल नोट को भी आप सेपरेट निकाल सकते हो, जिसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये अकेले इस एप्सल नोट की वैल्यू है। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाह रहे हो तो देखो, जो यूनिट के की है उसका उल्टा कर दो तो एप्सल नोट की यूनिट आ जाएगी। के की कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सल नॉट। तो अभी हमने देखो क्या देखा, एक बार रिकॉल करते हैं। आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जो के है वो बराबर होता है 1/4π ε₀। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। यूनिट आप के को सेपरेट करके निकाल सकते हो, 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये तो के का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो एप्सल नॉट है, इस एप्सल नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसकी फिक्स वैल्यू है। आप यहाँ से भी चाहो तो निकाल सकते हो, कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 8.85 × 10⁻¹². यूनिट इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है एक चीज़ और, कि जो के की ये मैंने यूनिट लिखाई है या के की जो वैल्यू मैंने लिखाई है, ये के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, ये होती है इसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू। कौन से सिस्टम में होती है? एसआई सिस्टम में। अब देखो वैल्यू ऑफ के, ध्यान से देखेंगे, वैल्यू ऑफ के जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के आया था, इसका अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूँ, एसआई सिस्टम में बात करूँ, तो एसआई सिस्टम में तो इसकी वैल्यू जो अभी मैंने लिखवाई थी, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻¹ होती है। आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहूं, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो इसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू, वो कितनी होती है? 1 होती है। कौन से में? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम का मतलब है न्यूटन की जगह आप क्या लिखोगे? डाइन लिख दोगे। मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जो कूलाम स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा? स्टैट कूलाम। क्या आ जाएगा? स्टैट कूलाम। तो ये सीजीएस यूनिट में कितनी होती है इसकी वैल्यू? 1 कूलाम है। और एसआई सिस्टम में कितनी होती है? सॉरी, के की वैल्यू 1 है और एसआई सिस्टम में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 9 × 10⁻¹ होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर तो एसआई सिस्टम में दिया हुआ होता है तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। किसी किसी में अगर सीजीएस सिस्टम में पुट कर रखे हो तो आप डायरेक्ट वहां पे के की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे और इजीली निकाल सकते हो आप उसे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कूलाम्स लॉ है और इन फॉर्मूलों की मदद से हम इजीली फोर्स वहां पे निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं इसे ढंग से कि किस तरीके से हम फोर्स निकालेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में फिलहाल ले रहा हूं। देखो मेरे पास, मैंने मान लिया 2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्या है भाई? 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। पहली चीज ध्यान रखनी है, कूलाम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है और जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग होता है। तो जो दो चार्जेस हैं वो मैंने मान लिया, यहाँ 10 माइक्रो कूलाम है, ये पॉजिटिव ले लिया। इसको भी मैंने ले लिया प्लस 10 माइक्रो कूलाम, ये भी पॉजिटिव है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा फोर्स है, बहुत ही सिंपल सा फोर्स है, आप इजीली इसे निकाल पाओगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, करते हैं इसे। तो आपको Q1 की वैल्यू दे दी है, Q1 कितना है? प्लस 10 माइक्रो कूलाम। Q2 कितना दिया है? प्लस 10 माइक्रो कूलाम। सबसे पहले तो जो माइक्रो कूलाम में यूनिट दे रखी है उसको आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, यानी कूलाम में कन्वर्ट करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं भाई? 10⁻¹ कूलाम होते हैं। तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻¹ कूलाम। ये रिलेशन है, आप इजीली कर पाओगे। तो 10 माइक्रो कूलाम में कितने आ जाएंगे? तो 10 × 10⁻¹ कूलाम, जिसे आप लिख सकते हो 10⁻¹ कूलाम। सेम वैसे 10 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम आ जाएंगे भाई? सेम ऐसे करोगे तो ये भी 10⁻¹ कूलाम। अब यहाँ पे जो सेपरेशन दिया है, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उस 20 सेंटीमीटर को देखो। तो सेंटीमीटर को एसआई कन्वर्ट, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, यानी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा भाई? 20 × 10⁻², ये मीटर में आ जाएगा।
तो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला टारगेट ये है कि जो भी न्यूमेरिकल में दिया है उन सभी चीजों को एज इट इज लिख लो कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, और जो पूछा है उसको भी लिखो। तो पूछा क्या है, यहाँ फोर्स पूछा है, उसे देखो, फिर देखो कि ये सारे किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को सोचो। फॉर्मूला जैसे क्लिक करके तुरंत वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके तुरंत आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्यू वन कितना है 10 टू द पावर माइनस के 5, क्यू टू भी कितना है 10 टू द पावर माइनस के 5 अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। इसे ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो देखो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 कितना होगा 10 की पावर माइनस 10, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ओवरऑल ऊपर कितना मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 1 मिलेगा अपॉन नीचे देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू यहाँ 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर माइनस 1 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो 10 की पावर माइनस 1 से 10 की पावर माइनस 1 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ये कैंसिल कर रहे हैं आपको क्या मिलेगा 9/2, 9/2 का मतलब है 4.5 न्यूटन इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इतना फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा होगा यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का। रिपल्सिव का मतलब है अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं तो फोर्स किधर लगेगा भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा। जो प्लस 10 माइक्रोकुलम ये वाला चार्ज है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है 4.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये वाला भी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है 4.5 का ही। हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, जितना फोर्स उस पे वो लगा रहा है उतना ही फोर्स वो भी उस पे लगाएगा। यानी कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि दोनों जो चार्जेस फोर्स लगा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर उनका रेशियो बताइए, तो रेशियो कितना आना चाहिए 1:1, क्योंकि जितना ये लगाता है उतना ये फोर्स लगाता है, सेम फोर्स होने की वजह से उनका अगर रेशियो निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1:1 रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये, अगला पॉइंट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखना है कि इस फॉर्मूला के अंदर जो हमने कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला निकाला है उसमें जो क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू है वो विदाउट साइन वैल्यू पुट करनी है, यानी कि वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काम आएगा। डायरेक्शन अगर आपको फोर्स की निकालनी है तो फोर्स की डायरेक्शन आपको कैसे निकालनी है, चार्ज के नेचर को देख के। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसका मतलब है इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, यानी ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन यही मैं बोल दूं कि एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, सपोज ये नेगेटिव हो जाए, तो मैं अगले क्वेश्चन में बस एक छोटा सा चेंज कर दूं कि यहाँ पे प्लस 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा वाला जो है वो माइनस के 10 माइक्रोकूलम है, सेपरेशन फिलहाल बिल्कुल सेम ही, और आपसे पूछा जाए कि बताओ फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की वैल्यू बिल्कुल इतनी ही आएगी, और आप इसे जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे। क्यू वन की वैल्यू प्लस 10 माइक्रोकूलम ये वाली आ गई, क्यू टू की वैल्यू आप यहाँ माइनस ना लेके प्लस में ही वैल्यू लिखोगे, विदाउट साइन हमेशा पॉजिटिव लोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, इनका भी यही आएगा, फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला इस पे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींच रहा होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कहेगा तू मेरे पास आ, ये कहेगा तू मेरे पास आ, तो दोनों एक दूसरे को खींचने में लग रहे होंगे, कितने कितने फोर्स को लगाकर 4.5 न्यूटन को लगा के। तो कभी भी जब आपको फोर्स निकालना है तो आपको चार्जेस की वैल्यू विदाउट साइन वैल्यू पुट करनी है। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला केवल मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है फोर्स की तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, चार्जेस के नेचर को देख के, चार्जेस के नेचर को देख के, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, रिपल्शन, दूर दूर फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन यानी वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, पास पास खींच रहे होंगे। तो इस तरीके से हम हमेशा फोर्स को निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला देखा है हमने, वहां से आप इस तरीके से वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड दे रहा था, डायरेक्शन के बारे में कोई बातें नहीं हुई थी।
यहाँ पर हमने दो चार्ज मान लिए हैं Q1 और दूसरी तरफ Q2 चार्ज है, तो Q1 वाला इस पे फोर्स लगाएगा, यानी Q1 चार्ज के कारण Q2 पे जो फोर्स है वो हमने क्या बोल दिया F21, और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स है वो कितना हो गया F12। तो F12 और F21 का मतलब क्या है उसे मैं एक बार लिख देता हूँ। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स। F21 का क्या मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो ये चार्ज 1। तो ठीक है, पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला फोर्स और दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला फोर्स, जो फोर्स के साइड में आता है ना उस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, जो इसके इधर लिखा हुआ उसके कारण निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। अब हमें देखना है इसका वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर का मतलब होता है कि हमें इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर देनी है, डायरेक्शन को ऐड कर देना है। अगर इसमें डायरेक्शन को ऐड करना है तो बहुत इजीली आप कूलम्ब्स लॉ को निकाल सकते हो, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देख सकते हो। बहुत से टीचर इसे बड़े बड़े बहुत लेंथी वे से करवाते हैं, डायग्राम बना देंगे उससे जो है वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बहुत आसान से मेथड से इसका वेक्टर फॉर्म लिखा देता हूँ। क्या होता है देखो, वेक्टर फॉर्म हम जानते हैं एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर केवल और केवल क्या है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली, केवल और केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है तो डायरेक्शन अगर मुझे इंक्लूड करनी है इसका मतलब है यहाँ पे मुझे किसी एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन देता हो, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता हो, जिसके पास केवल और एक केवल और केवल क्या हो डायरेक्शन होती हो, उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो एफ बराबर मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने एक यूनिट वैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वैक्टर यानी आर कैप, यूनिट वेक्टर यानी आर कैप। आर कैप से मल्टीप्लाई में कर सकता हूं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक है, आप एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 1 इज इक्वल टू 10, 20 × 1 इज इक्वल टू 20। एक से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने यहां आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां आर कैप से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इट गिव्स डायरेक्शन, क्या देता है ये डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन अगर मुझे मिल जाए इसका मतलब वेक्टर फॉर्म बन जाएगा उसका। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आर कैप होता है वो किसके बराबर होता है भाई, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जी, यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आप उसे सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो आर वेक्टर अपॉन आर आप लिख सकते हो इस यूनिट वेक्टर की जगह। तो इसे मैं अगर फर्दर आगे सॉल्व करना चाहूं तो देखो, इस आर कैप की जगह आर वेक्टर अपन आर अगर आप लिखोगे तो एफ बराबर मिल जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह आएगा आर वेक्टर अपॉन आर, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर के क्यूब, और ऊपर क्या आ गया है आर वेक्टर। और ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आने का मतलब मैं इस एफ के ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ। यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन मिल चुकी यानी एफ के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन मिल चुकी यानी एफ के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन मिल चुकी एफ के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। तो यही है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप सीधा सीधा सा सबसे सिंपल तरीके से कूलम्ब के लॉ के वेक्टर फॉर्म को इजीली आप लिख सकते हो, के Q1 Q2 इंटू आर कैप अपॉन आर के क्यूब, बस यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, वही यहाँ पे डायरेक्शन को दे देगा। इसी को आप फर्दर इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि F21 कितना आ जाएगा या F12 कितना आ जाएगा। F21 और F12 आप सीधा सीधे निकाल सकते हो, F21 भी वही होगा, F12 भी वही होगा, आर वेक्टर आपके पास में कांस्टेंट है ही है, क्योंकि जो डिस्टेंस R21 की है वही डिस्टेंस किसकी है R12 की भी दे रखी है।
तो इस तरीके से आप कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को इजीली लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो अगला है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसे हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसे सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह के से भी रिप्रेजेंटेशन आपको देखेगा इसका, कहीं कहीं पर सी से भी रिप्रेजेंटेशन देखेगा। मैं यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही के पढ़ा था फोर्स के फॉर्मूले में। वो के बिल्कुल अलग है और ये वाला के बिल्कुल अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो वैसे तो के से ही करते हैं ज़्यादातर, सी से इसलिए कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो दोनों के बीच में आपको। ठीक है, तो देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एक तरीके से मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम के बारे में बताता है कि जो मीडियम है वो है कैसा। किसी भी मीडियम के बारे में ये बताएगा कि जहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं वहाँ पे उस मीडियम के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। तो जस्ट मीडियम के बारे में ये आपको बता देता है कि मीडियम है कैसा। तो देखो अगर यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एयर के अंदर रखे हुए हों या वैक्यूम के अंदर रखे हुए हों, तो एयर या वैक्यूम में अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो उन पे जो फोर्स लगता है क्या वही फोर्स किसी दूसरे मीडियम में भी लगता है या फिर वो बदल जाता है। तो मैंने मान लिया दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा एक चार्ज ये रहा, उन दोनों चार्जेस के बीच का कुछ सेपरेशन है वो एयर में है। वही को उन्हीं चार्जेस को अगर मैं उतनी ही डिस्टेंस पे पानी के अंदर डाल दूं या किसी लिक्विड के अंदर डाल दूं, जो मन में आए आप उस मीडियम के अंदर डाल सकते हो, कोई ऑयल है लिक्विड है उसमें अगर डाल दोगे तो फोर्स बदल जाएगा या वही फोर्स रहेगा। तो अगर मुझे ये देखना है तो यहाँ पर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मदद से ही निकाल पाएंगे कि फोर्स कितना हो। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि अगर मैं उन दोनों चार्जेस को वाटर के अंदर डाल दूँ या ग्लास के उनके बीच में ग्लास लगा दूँ, कोई कांच का टुकड़ा लगा दूँ या फिर किसी ऑयल के अंदर डाल दो, कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर अगर डाल दिया जाए तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा, या अलग अलग मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होगा अलग अलग होगी, ये हमें सोचना है। तो इसी को करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो अगर मुझे उसे निकालना है तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो के है इसको आप सी भी लिख सकते हो, ये किसके बराबर होता है भाई, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसे मैं खाली एप्सल से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई भी मीडियम है उसका जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। और किसका रेशियो है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो एप्सल नॉट हो गई और मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सल हो गई। उनका अगर रेशियो निकाल लिया जाए वही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को आप एप्साइल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एप्साइल आर। तो या तो के लिखो या तो के लिखो या सी लिखो, ये किसके बराबर और किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एप्साइल आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इस तरीके से ध्यान रखोगे, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वो किसके बराबर आ रही है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इस फॉर्म में अगर आप याद रखोगे तो आप हमेशा के लिए याद भी रख सकते हो, कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर कोई फोर्स है, अगर कोई चार्ज है, कोई चार्जेस दे रखे हों और चार्जेस एयर में अगर रखे हैं तब कितना फोर्स लगेगा और किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए तब कितना फोर्स लगेगा, तो वेरी करेगा या नहीं करेगा उस चीज को हम देखते हैं। तो देखो फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर या वैक्यूम, जैसे आप फ्री स्पेस भी लिख सकते हो, तो एयर में देखें या वैक्यूम के अंदर अगर हम देखें फोर्स को, तो फॉर्मूला हमें पता है एफ किसके बराबर होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ पर उस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0। ये जो के की वैल्यू 1/4πε0 होती है ये कहाँ पर है, एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए होती है। Q1 Q2 अपॉन R2। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे थे वो कब है, जब मीडियम एयर हो। कौन सा मीडियम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, उस मीडियम के अंदर ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे मीडियम के अंदर देखूं तो फोर्स
इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एयर को छोड़ के या फ्री स्पेस को छोड़ के। तो वहाँ पे मैं इसे एफ एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, फोर्स इन मीडियम एफ एम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप के लिखोगे तो 1/4 pi epsilon naught नहीं लिखोगे, क्योंकि नॉट किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर एयर और वैक्यूम, केवल नॉट एयर या वैक्यूम के लिए होता है। लेकिन अगर आप मीडियम के लिए निकालना चाह रहे हो तो मीडियम का जो एप्साइल है एप्साइल ही लिखोगे, मीडियम के लिए एप्साइल नॉट नहीं आएगा। तो मीडियम के लिए क्या लिखोगे, यहाँ केवल एप्साइल लिखोगे, और Q1 Q2 तो एज इट इज रहेंगे, अपॉन में क्या मिल जाएगा भाई, आर स्क्वायर मिल जाएगा, यानी एफ एम बराबर 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स को इजिली देख सकते हो, बहुत ईजिली आप फोर्स को निकाल पाओगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ तो आप देखो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि जो एप्साइल है, जो एप्साइल है वही किसके बराबर है, एप्साइल नॉट इंटू एप्साइल आर के बराबर होता है। तो एप्साइल की जगह मैं एप्साइल नॉट इंटू एप्साइल आर लिख सकता हूँ, ये एप्साइल आर ही किसके बराबर है, के या सी के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एप्साइल नॉट इंटू के लिख सकते हो। तो एप्साइल की जगह मैं एप्साइल नॉट इंटू के अगर लिख दूँ तो जो हमारा रिजल्ट आगे निकल के आने वाला होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि एफ एम इज इक्वल टू 1/4 pi, इस एप्साइल की जगह आप लिखोगे एप्साइल नॉट इंटू के या सी बी लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो अब आप इन दोनों को, कोई फोर्स अगर आप एयर में अगर निकालना चाह रहे हो तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में अगर निकालना चाहते हो तो एप्साइल नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे के से कर दिया है। यानी उस मीडियम के लिए अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। और अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहो कि एफ एम अपॉन एफ अगर आप करना चाहो, इन दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो भी आप इजीली निकाल सकते हो, रेशियो इजीली निकाल पाओगे, सॉल्व कर लो। या डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला भी देख सकते हो कि एफ एम बराबर मिलेगा एफ नॉट अपॉन के, या इसे आप ऐसे भी लिख दो एफ नॉट अपॉन सी या एफ नॉट अपॉन एप्साइल आर, कैसे भी कर दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी किसी भी मीडियम के अंदर अगर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो तो एयर का जो फोर्स आ रहा है, एफ नॉट का मतलब है एयर के अंदर जो फोर्स आ रहा है, उस एयर वाले फोर्स को आप के से डिवाइड कर दोगे, उस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दोगे। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है, ये के जो होता है, इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। अगर इसकी वैल्यू एक से बड़ी होती है इसका मतलब है किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स चार्जेस के बीच में कब लगता है, जब वो एयर में रखे हुए हों या फिर फ्री स्पेस में रखे हुए हों। किसी दूसरे मीडियम में अगर हमने चार्जेस को रख दिया तो वहां पे फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड करना होगा। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की देखो वैल्यू में एक बार आपको बता देता हूं, के की वैल्यू अगर मैं एयर के लिए निकालना चाहूं तो एयर के लिए के की वैल्यू होती है हमेशा 1। इसे अगर वाटर आ जाए तो वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 80, और अगर कोई मेटल आ जाए तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। यानी जो के है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। तो कोई भी मेटल आ जाए, सोना चांदी लोहा कोई भी अगर आ रहा है, तो हर एक मेटल के लिए इस के की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। और एयर या वाटर आ रहा है, एयर या वैक्यूम आ रहा है उसके लिए तो 1 होगी, वाटर के लिए कितनी होगी, 80। इसके अलावा बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, और जितने भी मीडियम हैं, कोई दूसरा मीडियम अगर आ जाए तो वहां पे उस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर देगा वो। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वैल्यू, तो वहां से वैल्यू को उठाओ, सीधा सीधा निकाल दीजिए। अब इस फॉर्मूले से आप देखो कितना इजीली क्वेश्चंस को बना पाओगे। जैसे क्वेश्चन पता है किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि दो चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम, दोनों के जो बीच की सेपरेशन है वो 30 मिलीमीटर है। कितनी है, 30 मिलीमीटर है। वो चार्जेस पहले एयर में रखे हुए थे, अब अगर उन्हीं दोनों चार्जेस को मैं किसी दूसरे मीडियम में ले जाऊं, यानी वाटर में डुबा दिया, सपोज उतनी ही सेपरेशन पे वाटर में डुबा दिया, तो बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो, पहले आप एयर में जितना फोर्स लग रहा था उसको निकाल लो, एयर में जितना फोर्स लग रहा था उसको निकाल लो, और जो एयर में फोर्स आया है उसको 80 से डिवाइड कर दो। के का मतलब क्या है, वाटर का के कितना होता है, 80। जो भी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उससे आप डिवाइड कर दो,
वाटर की जगह अगर कोई दूसरा मीडियम दिया हुआ होता तो उस दूसरे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। आप सीधे सीधे इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखो एयर है तो एयर का मतलब के की वैल्यू कितनी है, वन है, तो के की वैल्यू अगर आप वन पुट कर दोगे तो एफ एम कितना आ जाएगा, एफ नॉट के बराबर ही आ जाएगा। ये तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हम एयर के लिए निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मीडियम में आप फोर्स को इजीली, बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना बस, किसी मीडियम में अगर फोर्स निकाल रहे हो तो जो एयर में फोर्स आ रहा है उसको आपको उस मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से इन्फिनिट के बीच में होगी। मेटल्स अगर कोई दे रखा है तो मेटल्स के लिए इन्फिनिटी याद रखेंगे, एयर वैक्यूम के लिए वन होती ही है, वाटर की भी वैल्यू वैसे तो गिवन होती है, आप याद रख लो 80 होती है। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही है तो एग्जाम के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आगे करते हैं। आप मैंने नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके आप मैंने नोट कर लेना, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट से वैसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जैसे मैं आगे पेजेस को कर दिया करूं तो आप पहले उसे पॉज करके इजीली कर लिया करें, ठीक है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अब आ रहा है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी जो हमने ये जो पढ़ा है फॉर्मूला जो पढ़ा है वो फोर्स किसके बीच में है, दो चार्जेस के बीच में है, दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में एक दूसरे पे फोर्स लगता है और फोर्स हम इजीली निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू के की वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से। कितना फोर्स लगेगा वो अभी हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला है कि फोर्स लग कितना रहा होगा। तो अब हम अगला जो हमारा लेक्चर है वो हम यही देखेंगे कि दो से ज़्यादा अगर चार्जेस आ रहे हों तो कितना फोर्स लगेगा। और इसके जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला होगा उसमें बहुत सारे, बहुत तरीके के जो फोर्सेस के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे पूरे लेक्चर के अंदर, कुलाम्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसे मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में उस पर बातें करेंगे, ठीक है। जे लेवल तक, बिल्कुल जीरो लेवल से जे लेवल तक की हम वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने कुलाम्स लॉ को पढ़ा है किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बारे में, कुलाम्स लॉ एयर में कैसे लगेगा, फोर्स कितना लगता है, या फिर कोई दूसरा मीडियम अगर दे रखा हो वहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के ही बारे में है पूरा का पूरा लेक्चर, और वहाँ देखेंगे कि दो से ज़्यादा चार्जेस अगर आ रहे हों तब फोर्स कितना लगेगा, और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। वहाँ पे ध्यान रखना, उन क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आएंगे जहाँ पर वेक्टर का कंसेप्ट आता है, भर भर के वेक्टर का कंसेप्ट आता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत मैं आपको पहले वेक्टर के बारे में भी आइडिया दूंगा कि वेक्टर अगर दिए हुए हैं उनका रिजल्टेंट वगैरह किस तरीके से निकाला जाता है, देन हम इन क्वेश्चंस को ईजिली बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले लेक्चर में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगर कंप्लीट बैच चाहिए तो हमारा डायमंड अकेडमी, द डायमंड अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुका है और वहाँ पे आप पूरा बैच ले सकते हैं। वहाँ पे सीट्स, डीपीपी, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ठीक है। और पूरे कंप्लीट बैचेस के लिए थोड़ा सा कुछ चार्ज है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट कम से कम फ्री दो, मटेरियल जो भी है स्टडी मटेरियल, नोट्स, डीपीपी वगैरह वो सब आपको फ्री में ही मिलेंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।